हेलो स्टूडेंट्स, ग्लोरियस कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूँ धनंजय सिंह धरोज। आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं ऑन। ऑन एक प्रीपोजिशन है। यहाँ हम बताएंगे कि इसको सही ढंग से कैसे ट्रांसलेट करते हैं और इसको सही ढंग से कैसे यूज भी किया जाता है। अक्सर ट्रांसलेट में मिस्टेक कर जाते हैं, करेक्शन में मिस्टेक कर जाते हैं, बट हम यहाँ पर ऑन का सही यूज बताऊँगा। ट्रांसलेट के माध्यम से इसके भाव को समझना आसान होगा। देखते हैं, यूज ऑफ ऑन। ऑन मीन्स होता है पर कब होता है? रेस्ट ऑन द अपर सरफेस ऑफ ए थिंग। जब कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु के सतह पर होती है, कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु के सतह पर टिकी होती है, तो वहां पे हम ऑन का प्रयोग करते हैं। एक वस्तु दूसरे वस्तु की सतह पर स्पर्श कर रही हो तो वहां पे हम ऑन का प्रयोग करते। जैसे देखो, यह कलम मेज पर है। यह कलम कहाँ पर है? मेज पर। तो जब कलम को मेज पर रखेंगे तो हम मेज पर कलम क्या करेगा? स्पर्श करेगा। वह कलम मेज पर टिकेगा तो वहां पर के लिए ऑन का प्रयोग बेटर है। बनाते हैं, यह कलम मेज पर है। कौन मेज पर है? यह कलम, दिस पेन। रोटेकर में बनाते हैं, इस पर के लिए यहाँ पे आन का प्रयोग करेंगे और मेज के लिए यहाँ पे टेबल। दिस पेन इज ऑन द टेबल। इस प्रकार से यहाँ पे आन का प्रयोग सुटेबल है। नेक्स्ट देखते हैं, वे घास पर बैठे हैं। घास पर बैठे हैं मतलब घास के कहाँ? ऊपर है। घास से संपर्क उनका, स्पर्श हो रहा है, घास के ऊपर टिके हैं, तो ऐसे के लिए पर आन का प्रयोग करेंगे। वे घास पर बैठे हैं। कौन बैठे हैं? दे। उल्टे क्रम में बनाएंगे, हैं, आर बैठेगा, सिटिंग, और पर के लिए यहां पे आम ऑन द ग्रास। इस प्रकार से बना सकते हैं, दे और सिटिंग ऑन द ग्रास, यहां पे आम का प्रयोग सुटेबल होगा। नेक्स्ट, वह कागज पर लिख रहा है। किस पर लिख रहा है? कागज पे। कागज पे अगर लिख रहा है तो सिंपल सी बात है, कागज के ऊपर है लिख रहा है, उसकी कलम कागज के सतह को स्पर्श कर रही है, तो वह क्या हो जाएगा? ही। लास्ट बनाते हैं, इज, और लिख रहा कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस के लिए आंजी का प्रयोग करते हैं, राइटिंग, अपर के लिए हम ऑन द पेपर, ही इज राइटिंग ऑन द पेपर। इस प्रकार से जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर सतह पे हो, टिकी हुई हो, स्पर्श कर रही हो, तो वहां पे ऑन का प्रयोग किया जाता है पर के सेंस में। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन का प्रयोग को के लिए भी किया जाता है। कब? जब सर्टेन डेट होता है, सर्टेन टाइम होता है, अर्थात ऑन एब्सोल्युटली टाइम। अगर निश्चित समय पर की बात करें तो ऑन का ही प्रयोग करना बेटर होता है। हरी रविवार को खाली है। यहाँ पे सेंटेंस है, हरी रविवार को खाली है। कौन? हरी। हरी रविवार को खाली है, तो यहाँ पे को आया किससे पहले? रवि के पर, रविवार के पहले। रविवार क्या है? दिन है, एक सर्टेन डे। यहाँ पे कहा जाए रविवार को खाली है। कब खाली है? रविवार को। इसका मतलब यह रविवार एक सर्टेन डे है, उसके लिए हमें प्रयोग कर रहा है। को हम प्रयोग करेंगे हरी, उल्टा बनाएंगे, इस खाली का थ्री, को के लिए हम आन का प्रयोग करेंगे, और संडे रविवार के लिए हमें संडे का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे है, डेट के लिए भी देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में इसी सेंस में देखते हैं, महात्मा गांधी दो अक्टूबर को पैदा हुए थे। दो अक्टूबर क्या है? एक डेट है। जब डेट होता है तो वहां पे को के लिए भी आर का ही प्रयोग करते हैं। यहां पे ट्रांसलेट करेंगे, यहां पे लिख देंगे महात्मा गांधी, उल्टे क्रम में बनाएंगे, पैदा हुए थे, जन्म हुआ था, जन्म लिए थे, ये हमेशा पैसिव वॉइस होता है, उसके लिए वाज बाण का प्रयोग करते हैं। ये हो जाएगा वाज बाण। महात्मा गांधी उल्टे क्रम में पैदा हुए थे, वाज बाण, को के लिए यहाँ पे आन का प्रयोग करना है, और 2 अक्टूबर के लिए यहाँ पे जो है सेकेंड अक्टूबर का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से सर्टेन डेट होता है को के लिए आन, सर्टेन डे होता है तो को के लिए आन का प्रयोग करेंगे। अगर इसी तरह सर्टेन टाइम होता है तो वहां पर भी आन का ही प्रयोग किया जाता है। अब यहां पे देखते हैं नेक्स्ट कहां पे प्रयोग करते हैं।
जहाँ पे कंसर्निंग होता है, किसी का संबंध दिखलाया जाता है, उस संबंध पर चर्चा की जाती है, तो वहां पर भी हम आर का ही प्रयोग करते हैं। जैसे मैं मित्रता पर एक निबंध लिख रहा हूं, मैं मित्रता पर एक निबंध लिख रहा हूं, मित्रता पर किस टॉपिक पर, मित्रता पर, अर्थात जो मेरे लिखने का संबंध है वह मित्रता टॉपिक पे है। तो एक सर्टेन टॉपिक भी कह सकते हैं कि सर्टेन टॉपिक पे जब कोई चर्चा होती है कंसर्निंग संबंध बता रहा है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं टॉपिक पर भी। जब किसी टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं तो उस पर भी पर के सेंस में आर का ही प्रयोग करते हैं। मैं मित्रता पर एक निबंध लिख रहा हूँ, कौन लिख रहा, मैं, आई लास्ट बनाते हैं, आई एम लिख रहा, क्या हो जाएगा, राइटिंग, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा, क्या लिख रहा, एक निबंध, एन एस से, पर के लिए यहाँ पे हो जाएगा आन और मित्रता के लिए यहाँ पे फ्रेंडशिप। जिस प्रकार से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं और सही यूज ही प्रीपोजिशन का कर सकते हैं, जैसे हरी हरी भूगोल पर बोला, मतलब कहीं अगर संवाद दिया जा रहा है, कहीं भी डिबेट हो रहा है, वहां पे टॉपिक दिया गया भूगोल, वह भूगोल पर बोला, कोई इतिहास पर बोला, कोई राजनीति पर बोला, इसका तात्पर्य क्या है कि वो भूगोल पर बोला, एक सर्टेन टॉपिक है, अर्थात बोलने का उसका संबंध है, तो पर के लिए यहाँ पे जो है आर का प्रयोग करेंगे। ये हो जाएगा हरी, उल्टे क्रम में बनाएंगे, बोला, स्पोक, अब पर के लिए यहाँ पे आन और भूगोल के लिए यहाँ पे जियोग्राफी। इस प्रकार से हम भी आर का प्रयोग कर लेते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है जहां पे कहीं निर्भरता होती है, तो निर्भरता के लिए भी जो है हम आर का ही प्रयोग करते हैं। जैसे गाय घास पर निर्भर है, तो यहां पे पर आया है, निर्भर होने का, यहां पे लिख सकते हैं द काउ निर्भर है, द काउ इज, आप प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं इसको, द काउ इज, आप लिव का प्रयोग कर सकते हैं, बेटर है, द काउ लिव्स, पर के लिए यहां पे ऑन, ऑन द ग्रास, इस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, निर्भरता के लिए, निर्भरता के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं। कार पेट्रोल से चलती है, यहां पर भी कार का निर्भरता दिखलाया गया, यहां पर लिख सकते हैं कार चलती है, रन्स ऑन पेट्रोल, कार रन्स ऑन पेट्रोल, इस प्रकार से हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। अब कोई भी चीज क्लोज टू ए प्लेस थिंग, कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु के बिल्कुल करीब होती है, पास होती है, तो ऐसे जगह पे भी जो है हम आर का प्रयोग कर देते हैं। जैसे हमें यह है, मेन रोड पर कोई होटल नहीं था, मेन रोड पर कोई होटल नहीं था, तो यहां पे क्या है, मेन रोड पर कोई होटल नहीं था, इसका मतलब रोड पर ही नहीं, रोड के किनारे की बात कर रहा है, पास की बात की जा रही है, तो वहां पे पर आ रहा है, तो वहां पे हमें आन का प्रयोग करना, यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं देयर, उल्टे क्रम में बनाएंगे, जब देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो जाता है तो उल्टे क्रम में बनाते हैं, देयर वाज नहीं के लिए यहाँ पे नो होटल का, देयर वाज नो होटल, पर के लिए यहाँ पे जो है आन का प्रयोग करेंगे, आन और मेन रोड हो जाएगा, ये इंग्लिश वर्ड है, मेन रोड अर्थात मुख्य मार्ग, देयर वाज नो होटल ऑन मेन रोड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर वाज नॉट एनी होटल ऑन मेन रोड, इस प्रकार से ऑन का प्रयोग कर रहे हैं, जो नजदीक होने को दर्शा रहा है कि रोड के पास में कोई होटल नहीं है, यहाँ पे पर तो आ रहा है, लेकिन वहां पे क्या है,
हाल का प्रयोग किया जा रहा है जो करीब को दर्शा रहा है, अर्थात रोड के करीब कोई होटल नहीं था। तट के पास, तट के किनारे एक कस्बा। यह देर का प्रयोग जब स्थिति दर्शाता है तो वहां देर का प्रयोग कर लेते हैं, उल्टा बनाते हैं था। देरबाज एक कस्बा का एक टाउन हो जाएगा, देरबाज ए टाउन। के किनारे या पास के लिए यहां पे हम आन का प्रयोग कर सकते हैं, आन और यहां पे कोस्ट। यहां पे देरबाज ए टाउन ऑन कोस्ट, अर्थात तट के किनारे एक क्या था, कस्बा था। इस प्रकार से आन का सुटेबल प्रयोग कर सकते हैं। इसको बार बार वीडियो को देखिए, बार बार रिपीट करिए जब तक यह भारी भाव समझ में ना आ जाए।